हे गाइस, तो अगर आप MPL पे पोकर खेलकर खूब ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हो अभी मजा आएगा ना भिड़ो, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैंने इसमें बताया है कि कैसे खेलते हैं, और अगर आपको खेलना आता भी है तो इसमें आप देख सकते हो कि इसका इंटरफेस कैसा है। मतलब क्या होता है कि सब ऐप्स का जो इंटरफेस होता है वो अलग अलग होता है ना, इसलिए। तो सबसे पहले आपको चिप्स बाई करनी पड़ेंगी। मैंने 5 रुपये की जो है चिप्स बाई कर ली हैं। अगर आप इसको नहीं खेलते हो, मतलब 1-2 चाल खेल के यहाँ से क्विट कर लेते हो, तो बाकी जो पैसा होगा वो आप वापस से MPL अकाउंट में भेज सकते हो, ठीक है। और जिसको पोकर बिल्कुल खेलना आता ही नहीं है वो ये वीडियो ज़रूर देखे, क्योंकि मैंने इसमें लाइव कई चालें खेली हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये गेम के रूल्स क्या हैं, ठीक है ना। क्योंकि रूल्स ऐसे बताऊँगा अगर तो फिर वो दिमाग में घुसते नहीं हैं, ठीक है ना। अगर लाइव खेलेंगे तो वो दिमाग में तुरंत घुस जाएंगे। तो अब मेरी पहली चाल जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, और मैं डीलर हूँ। जो डीलर होता है उसके बाद वाले का 0.1, फिर उसके बाद वाले का 0.2, फिर उसके बाद वाले चाहे तो बिट को बढ़ा सकते हैं लेकिन घटा नहीं सकते हैं, ये चीज़ आप याद रखना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 0.1 वाले के आगे वाले बंदे ने 0.2 लगाया, लेकिन उसके बाद वाले बंदे ने जो है वो 2.63 रुपये, यानी पूरे जितने उसके पास थे उतने पूरे रुपए अपने लगा दिए हैं। तो उसके बाद वाले जितने भी आएंगे उनको भी उतने रुपए ही लगाने पड़ेंगे, ये रूल है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो? जैसे कि अब मेरी चाल आई है तो मुझे भी बोल रहा है कि आप भी 2.3 लगाओ, नहीं तो भाग जाओ यहाँ से, फोल्ड कर लो, यानी तो या फिर 2.3 या 2.43 लगा दे अपने। दो ही रास्ते मेरे पास हैं, ठीक है। या फिर तो रेज कर सकते हैं, यानी अपने हम पैसे बढ़ा सकते हैं, यानी हम ऑल इन कर सकते हैं, यानी 4.8 हम पूरे लगा सकते हैं एक चाल में, ऐसा, ठीक है। तो अगर आपको लगे कि यार नहीं इतने रुपए ज़्यादा हो जाएंगे यार, ठीक है ना, तो आप यहाँ से फोल्ड कर लो मेरे जैसे, और आपका 2.2 का नुकसान हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि जब पूरा एक चक्कर घूम जाएगा उसके बाद 3 पत्ते टेबल पर शो करेंगे, ठीक है। अब उन 3 पत्तों को देखकर आपको डिसाइड करना है कि आपको खेलना है या फिर नहीं खेलना है, ठीक है। और फिर उसके बाद एक चक्कर घूमेगा, सब लोग कॉल बेट या फिर रेस या फिर फोल्ड ऐसा करते जाएंगे, ठीक है ना। फिर एक चक्कर घूमेगा और फिर उसके बाद फिर से एक पत्ता और आगे आएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही चलेगा, कॉल बेट रेज, ठीक है ना, लोग खेलते जाएंगे चाल, और फिर से एक पत्ता शो करेगा, और उसके बाद जो जिसकी सबसे बेस्ट मैच होगा वो जो है विनर हो जाएगा। तो जैसा कि देख रहे हो 2 पेयर्स A&7 इसका है जो विनर हुआ है, ठीक है। तो अब ये समझ लीजिए कि बेस्ट मैच होता कैसे, यानी विनर कैसे अनाउंस होता है। 2 पत्ते तो आपके पास हैं, बाकी जो 3 पत्ते हैं वो टेबल में से चुने जाएंगे, और टेबल में से वो पत्ते चुने जाएंगे जो कि आपको बेस्ट मैच दे रहे होंगे। जैसे कि इस चाल में 1 A इसके पास है, 1 A टेबल से उठा लिया, 1 7 उसके पास है, 1 7 टेबल से उठा लिया, यानी 2 पेयर्स उसके बन गए A&7 के। और ये हैं बेस्ट पत्तों की रैंक्स, ठीक है। अगर आपका रॉयल फ्लश बनता है, ठीक है ना, रॉयल फ्लश, तो इसका मतलब आप नंबर 1 हैं, और आपको फिर कोई भी बीट नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रेट फ्लश है, इस टाइप के पत्ते हैं, मतलब जिसमें सब के सब एक कलर के हों और सब लाइन से हों, तो स्ट्रेट फ्लश होगा, और आपको सिर्फ एक ही बंदा बीट कर सकता है जिसके पास रॉयल फ्लश हो। बाकी जिसके पास इनसे नीचे वाले होंगे पत्ते, वो आपको बीट नहीं कर पाएंगे। और आपको ये रैंक्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी समझ सकते हो कि क्या अच्छा है और क्या ख़राब है। और लेकिन अगर आपको तुरंत देखना हो ये पत्तों का मतलब रैंक्स, तो ऊपर जो वहाँ पत्तों का निशान बना हुआ है ना ऊपर, वहाँ पर टच करोगे तो ये रैंक खुल जाएगी। इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे।